से मार्केट में जब एक अपर साइड एक अप ट्रेंड शुरू हुआ था और एक छोटी सी करेक्शन आई थी, एक ट्रेंड शुरू हुआ, हायर हाइज हायर लोस बनते चले गए, और उसके बाद में मार्केट ने एक पीक बनाया, और उसके बाद तीन हाइज तो बनाए हैं मार्केट ने, बट जो पीक है उसको क्रॉस नहीं किया, मतलब ब्रेकआउट नहीं आया, और लोअर लोस बनाया 3 बार, 3 लोअर लोस बनाए हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मार्केट ने 3 लोअर लोस बनाए थे, एक ये और एक ये, तो इसे हम एक तरीके से करेक्शन मानेंगे। तो मार्केट में एक अपर साइड में एक ट्रेंड बना, उसके बाद में छोटी करेक्शन आई, ठीक है। नॉर्मली इसको एक तरीके से हम फ्लैग पैटर्न या कुछ भी, कोई भी पैटर्न हम इसको नाम दे सकते हैं। उसके बाद में एक ब्रेकआउट आता है, उसके बाद मार्केट हैज कंटिन्यूड इट्स ट्रेंड। तो जब ऐसा होता है, जब ये पैटर्न बनता है, तो अपर साइड में जो टारगेट होते हैं वो उतने ही होते हैं जितना मार्केट उस ट्रेंड को खींचकर ऊपर लेकर आई। मतलब ये कि इसका मतलब ये है कि मार्केट जितना यहां से, जितना लेवल, जितना नीचे से इसने एक फर्स्ट ट्रेंड जो लिया था और जो पीक बनाया था वहां पर हायर साइड में, उसके बाद एक करेक्शन ली थी, जितना ये पॉइंट, जितना जो मान लो ये 2000 पॉइंट है, 2000 पॉइंट है, तो इसके ब्रेकआउट के बाद, या नॉट ब्रेकआउट, इसके इस पॉइंट से लेकर जो अब दोबारा से ट्रेंड शुरू होगा, तो मेन टारगेट जो रहेगा वो इसका उतना ही 2000 पॉइंट। तो 2000 इक्वल्स टू 2000 पॉइंट, दिस इज द टारगेट। ओके, सो व्हाट इज द टारगेट इज 26409। तो इसको नॉर्मली हम 26400 बोल सकते हैं, 26400, 450 या 350, ठीक है। तो +50 -50, ओके, तो 50 पॉइंट ऊपर नीचे हम कर सकते हैं। तो 26350 से लेकर 26450 के टारगेट अभी हमारे पास में बन सकते हैं, एंड देन आफ्टर दैट वी मे सी अ करेक्शन। करेक्शन अभी भी बन सकती है, अभी मेरे पास में ऑर्डर फ्लो का डेटा आपको दिखाने के लिए नहीं है, बट मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। तो ऑर्डर फ्लो में जो डेटा बन रहा है अभी इस टाइम पर, वो हो सकता है कि न्यूज की वजह से हो, या ये टेम्पररी डेटा भी हो सकता है, और हो सकता है कि मार्केट इज प्रिपेयरिंग फॉर अ करेक्शन टुवर्ड्स 24,000 लेवल। हो सकता है 24,000 के लेवल के लिए करेक्शन की तैयारी में हो मार्केट। तो अभी और 2 से 3 दिन का डेटा डेवलप होना बाकी है, 2 से 3 दिन अभी डेटा और डेवलप होगा, तभी हम एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, यस मार्केट में करेक्ट टुवर्ड्स 24,000, और इट में इफ इट अगर ये अपने आज के हाई को, जो कि है हमारा 26,600, तो अगर 25,600 के लेवल को ब्रेक करती है तो मार्केट ऊपर जाएगी, नॉर्मली ये लोग बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे। लेकिन हम एक चीज को और देखकर चलेंगे कि अगर 25,400, जिन भी लोगों ने मेरा ऑर्डर फ्लो का कोर्स किया है, तो उनको वो ये लोग ये बात समझेंगे कि 25,600 के लेवल को जब मार्केट ब्रेक करती है, तो इस कैंडल पर, इन दोनों ही कैंडल्स पर, अगर जो भी हमारा डेटा बना होगा, जो भी हमारा ऑर्डर फ्लो का डेटा बना होगा, लेट्स से क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव डेल्टा मान लो 5 लाख का, लेट्स फॉर एग्जांपल 5 लाख क्यूमुलेटिव डेल्टा है, और हमारे पास में ब्रेकआउट के टाइम पर 7 लाख का क्यूमुलेटिव डेल्टा है, तो वी कैन से दैट दिस इज द ओरिजिनल ब्रेकआउट, दिस इज द रियल ब्रेकआउट, एंड मार्केट में कंटिन्यू इट्स ट्रेंड, कि मार्केट अपना ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। लेकिन अगर जैसे कि आज हुआ, आज का मैं सीन बताऊं कि आज मार्केट ने ब्रेक डाउन तो दिया, लेकिन क्यूमुलेटिव डेल्टा उतना पॉजिटिव, पिछले दिन के बराबर भी क्यूमुलेटिव डेल्टा नहीं था, इसकी वजह से मार्केट वेंट अपसाइड एंड इट इट वाज अ फेक ब्रेकआउट एंड मार्केट फेल डाउन। ओके, सो एंड एट द एंड ऑफ द डे द बोथ क्यूमुलेटिव डेल्टा वाज नेगेटिव, दोनों ही क्यूमुलेटिव डेल्टा क्या थे, नेगेटिव। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि मार्केट में विनोद जी, विनोद आई कांट सेंड माय वॉइस,
चलिए, तो इसी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि यस, मार्केट में ऊपर की साइड में एक हमारे पास में नेगेटिव डेटा जो है क्रिएट होना स्टार्ट हुआ है, जो कि एक नेगेटिव इंडिकेशन है ऑब्वियसली। इसीलिए हम ये देखेंगे कि कल अगर ब्रेकआउट आता, आने वाले किसी भी दिन में ब्रेकआउट अगर आता है, तो वो ब्रेकआउट पिछले 3 से 4 दिन जब जब से भी मार्केट अपने इस कंसोलिडेशन फेज में है, उसमें जितना भी क्यूमुलेटिव डेल्टा हमारे पास में डेवलप हुआ है, क्यूमुलेटिव डेल्टा में फॉर एग्जांपल बता दूं इजी करने के लिए कि नेट बाय या फिर नेट सेल क्वांटिटी, नेट बॉट और सोल्ड क्वांटिटी इन निफ्टी फ्यूचर इंडेक्स फ्यूचर, ओके। तो वो नेट बाय या सेल जो भी है, जैसा कि अभी नेगेटिव क्यूमुलेटिव डेल्टा अपर साइड में आ रहा है पिछले 5 दिनों का, तो ब्रेकआउट के टाइम पर वो सारा नेगेटिव क्यूमुलेटिव डेल्टा पॉजिटिव में चेंज हो जाना चाहिए, तब हम ये कह सकते हैं कि ये ब्रेकआउट एक सही ब्रेकआउट है और यहाँ से मार्केट कंटिन्यू करेगी अपने ट्रेंड। अगर ऐसा नहीं है तो दैट इज अ फेक ब्रेकआउट और मार्केट में फेल एनी टाइम, में फॉल एनी टाइम, ओके। किसी को इसमें डाउट है तो बताओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एवरीथिंग इज क्लियर? यू कैन यूज योर चैट बॉक्स। एम आई क्लियर? मंगेश जी, यस क्लियर क्लियर चलिए, तो अब हम बात करेंगे सेम बैंक निफ्टी पर भी हो रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में नेगेटिव ना होकर पॉजिटिव हो रहा है, इसलिए मैंने सेशन के स्टार्ट होते ही बोला कि बैंक निफ्टी विल बी आउट परफॉर्मिंग, क्योंकि निफ्टी में जो डेटा बन रहा है वो नेगेटिव है और साथ में जो बैंक निफ्टी है उसके अंदर जो डेटा है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव होने के बावजूद, मतलब प्राइस के फॉल होने के बावजूद क्यूमुलेटिव डेल्टा हाई है, मतलब फ्यूचर्स में बाइंग हुई। तो मतलब ऐसा कभी कभी होता है, बट हाँ ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि कभी कभी, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत कम परफॉर्म किया है बैंक निफ्टी ने, तो अभी जो फोकस शायद बन रहा है वो बैंक निफ्टी की तरफ बन रहा है, बाकी देखेंगे क्या होता है। तो हमारे पास में सबसे जो बड़ा सबसे पहला जो लेवल है, अगर मार्केट कंटिन्यू अपने ट्रेंड को करती है तो वी मे टच 26,400 प्लस या माइनस 50 पॉइंट, ओके। दिस इज अवर पीक और जिस भी दिन ये टच करेगा, आई एम टेलिंग यू गो एंड बाय पुट ऑप्शन, ओके। टेक स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 30 पॉइंट्स, 30% एंड कीप टारगेट ऑफ अराउंड 2 to 3 times, 2 to 3 times जिस भी दिन ये लेवल टच करे, बाकी फ्यूचर में मैं जिस जब भी ये लेवल्स टच होंगे मैं मैसेज करूंगा ग्रुप में, डालूंगा कि यस दिस पॉइंट हैज रीच्ड एंड आफ्टर दैट वी कैन बाय पुट ऑप्शन। वो एक बड़ा ही अच्छा पॉइंट होता है हमारे पास में, एक बड़ा ही सेफ ट्रेड लेने का और बहुत ही अच्छा ट्रेड लेने का, क्योंकि ऐसे ऐसे जो लेवल्स होते हैं वहां से जो हमारे पास में ट्रेड्स हमको मिलते हैं बहुत ही फास्ट, और फास्ट होते हैं और बहुत ही इजी ट्रेड होते हैं। चलिए, अगर यहाँ से मार्केट गिरती है तो हमारे पास में सिर्फ 2 लेवल हैं यहाँ, ये चीज तो फिर से मैं बोलूंगा क्यूमुलेटिव डेल्टा, अगर जो लोग क्यूमुलेटिव डेल्टा नहीं दे सकते वो सिंपली ये चीज नोटिस करें कि मार्केट में जब ये फॉल आ रहा है तो मार्केट क्या इसके नीचे सस्टेन कर पा रही है या नहीं कर पा रही ऑन आर्ली चार्ट, मतलब कि आर्ली चार्ट पर अगर कोई भी कैंडल क्लोज देती है इस लो के नीचे तो आप डेफिनेटली शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं, जिनके पास में क्यूमुलेटिव डेल्टा का मतलब वॉल्यूम प्रोफाइल का एक्सेस नहीं है।
चलिए तो अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बाकी हम लोग अब डेली डिस्कशन करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, और देखेंगे कि कैसे मार्केट जो है बिहेव करती है इन आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि तो आने वाले कुछ 4 से 5 दिन, मे भी 2 वीक मान के चलना कि 2 वीक में मार्केट अपने या तो एक पूरी पूरी करेक्शन 24,000 तक लेगी, या फिर अपने इस पीक को अपना लास्ट पॉइंट टच करेगी, और उसके बाद में हमारे पास में एक बहुत ही अच्छी करेक्शन हमको देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी। निफ्टी बैंक तो हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी में, अगर हम डेली चार्ट अगर देखेंगे तो हमारे पास में ज्यादा कुछ बड़ी मूव हमको नहीं मिल पाई है अभी तक। हमने भी अपना वो हाई भी नहीं ब्रेक किया है पिछला वाला, लेकिन यस पिछले कुछ दिनों में मार्केट में बैंक निफ्टी ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है, ये देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट ने इस एरिया में आउट परफॉर्म किया है। तो भी अगर हमारे हमारे पास में एक और ये लॉजिक निकल के आता है कि अगर हमारे पास में हमको बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट ये मिलता है तो भी हम निफ्टी में ऊपर ट्रेंड को फॉलो कर पाएंगे, अदरवाइज जैसा कि अब हम देख रहे हैं मार्केट में अगर ये डबल टॉप बनता है बैंक निफ्टी में, क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर हमें आज एक पिन बार मिला है, तो अगर हम इस पिन बार के लो को ब्रेक कर जाते हैं और क्लोज दे देते हैं, इफ वी ब्रेक दिस लो ऑफ दिस कैंडल टूडेज कैंडल एंड क्लोज बिलो दिस, वी कैन सी अ करेक्शन डाउन साइड, तो एक करेक्शन हमें इसमें देखने को मिल सकती है, और फिर बैंक निफ्टी में भी हमको साथ साथ सेम चीज देखने को मिलेगी, लेकिन डेटा के हिसाब से अभी हम नहीं कह सकते कि बैंक निफ्टी में उतनी कोई करेक्शन आने वाली है, लेकिन यस कल का जो मार्केट है वो डिफाइन करेगा कि हमारे पास में डेटा कैसे डेवलप होता है और हम कैसे टेक्निकली ब्रेकआउट देते हैं, या फिर हमारे पास में एक करेक्शन हमको 49,000 49,731 तक की, या फिर 50,360, सबसे पहला टारगेट 50,370 की हमारे पास में बन रही है सबसे पहली करेक्शन यहाँ तक मार्केट जो है, फॉलोड बाय 51,700 आ सकती है। तो हमारे पास में दो लेवल निकल के आते हैं नीचे के, एक ये और एक ये दो हर्डल्स हैं, बाकी ये भी एक बहुत ही अच्छा ट्रेड बनेगा अगर मार्केट यहाँ तक डेली चार्ट पर आती है। तो अब इसको ट्रेड कैसे करना है स्ट्रेटजी के हिसाब से, तो ये देखते हैं बैंक निफ्टी को देख लेते हैं सबसे पहले। यह है 60 मिनट चार्ट, हमें यहाँ पर एक 9 SMA यूज करनी है। कितने लोग सेंट्रल पिवट रेंज के बारे में जानते हैं यहाँ पर, एनीवन नो अबाउट सेंट्रल पिवट रेंज CPR? तो आप लोगों का काम नहीं हो सर, गया मैं नहीं जानता। सेंट्रल पिवट रेंज के बारे में, नहीं पता ठीक है, किसी को भी नहीं पता व्हाट इज सेंट्रल पिवट रेंज? चलिए कल का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो सेंट्रल पिवट रेंज पर रहने वाला है। अगर आपने सेंट्रल पिवट रेंज को मास्टर कर लिया तो आपको किसी डेटा एनालिसिस की जरूरत नहीं है, ज्यादा कोई आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सिंपली आपको सेंट्रल पिवट रेंज यूज करना है, उसके शेप्स को ही थोड़ा मास्टर करना है कि इसकी जो थिकनेस है वो कितनी होती है, वो मैं बताऊंगा कल के सेशन में, उसके बारे में पूरा मैं जानकारी दूंगा।
सेंट्रल पिवट रेंज, कल का हमारा सेशन सेंट्रल पिवट रेंज पे रहने वाला है। इंडेक्स पे ज्यादातर आप काम कर सकते हैं, अगर आपने सेंट्रल पिवट रेंज सीख लिया तो आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्रूड ऑयल, गोल्ड एंड सिल्वर, इनको बहुत ही अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम बिना सेंट्रल पिवट रेंज की बात करते हैं मूविंग एवरेज के हिसाब से। तो आपको ट्रेड आपको सेंट्रल पिवट रेंज के बिना कैसे ट्रेड करना है ये हम देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर इंडिकेटर यूज करेंगे, मूविंग एवरेज 9 SMA। शाम को खा लिया था, कोई बहुत मन नहीं है, बर्गर खा लेगी। मैं खा लिया, मैं दिन में खा लिया, तो रात को सुबह सब खा लेगा, तो नहीं बना। सो अगर हम 9 SMA के ऊपर हैं तो हमें सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि यस वी आर इन अप ट्रेंड। ठीक है, आर्ली चार्ट पर, ठीक है, आर्ली चार्ट पर मतलब एक कंफर्मेशन के लिए हमें देखना है कि 9 SMA के ऊपर अगर हम हैं तो यस वी आर इन अप ट्रेंड, और हमें बाय ऑन डिप करना है। ठीक है, ऑप्शन के लिए मैं आपको बता दूं, आपको बड़ा ही ये छोटी छोटी मूविंग एवरेज लगी, बहुत ज्यादा छोटा टाइम फ्रेम लगेगा, लेकिन मैं आर्ली चार्ट के बेसिस पर बात कर रहा हूँ। आर्ली चार्ट पर आपको देखना है कि प्राइस 9 SMA के ऊपर है या नीचे, और 9 SMA के अगर ऊपर है तो जब भी आप प्राइस को गिरते देखेंगे, प्राइस प्राइस इज फॉलिंग बट इट इज अबाउट टुडेज लो। ओके, वो आज के लो के ऊपर है बट प्राइस इज फॉलिंग। तो अगर सीपीआर यहाँ पर पता होता, क्योंकि मैं सीपीआर के बारे में बताता, लेकिन कल का सेशन हमारा सीपीआर पे रहने वाला है, तो हमें देखना है कि प्राइस इज फॉलिंग एंड इट इज हेडिंग टुवर्ड्स सेंट्रल पिवट रेंज। सेंट्रल पिवट रेंज की तरफ अगर प्राइस बढ़ रहा है तो हमें सीपीआर के आसपास में कॉल बाय करनी है एंड वेट करना है प्राइस के ऊपर जाने का, एंड सीपीआर आवर स्टॉप लॉस विल बी इफ द प्राइस फॉल्स बिलो सेंट्रल पिवट रेंज। ओके, तो यूज करना है हमको 5 मिनट का चार्ट ट्रेड लेने के लिए। ट्रेड लेने के लिए 5 मिनट का चार्ट यूज करना है, और 5 मिनट में, 5 मिनट के चार्ट पर हमें किसी भी SMA का सहारा नहीं लेना, हमें किसी भी इंडिकेटर का सहारा नहीं लेना, हमें 5 मिनट के चार्ट पर हर इंडिकेटर को ऑफ रखना है, सिर्फ कैंडलस्टिक चार्ट देखना है और सेंट्रल पिवट रेंज देखना है। अगर आप ऑर्डर फ्लो डेटा देख सकते हो तो ऑर्डर फ्लो डेटा देखेंगे और देखेंगे कि व्हेन द प्राइस इज फॉलिंग, जब भी प्राइस गिर रहा है तो गिरते टाइम पर किस ऐसे पॉइंट पर जो क्यूमुलेटिव डेल्टा है उसके अंदर डाइवर्जेंस आ रहा है। डाइवर्जेंस मीन्स क्यूमुलेटिव डेल्टा इज इंक्रीजिंग एंड इट स्टार्ट्स टू इंक्रीज विद डिक्रीजिंग रेट। पहला होता है इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट, दूसरा होता है इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट, नीड टू ड्रॉप, और तीसरा होता है इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट। तो इफ प्राइस इज फॉलिंग डाउन साइड, अगर प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है और वो इट्स डिक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट, वो गिर तो रहा है लेकिन इसके अंदर आपको डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है, जब आप डेटा देखते हैं तो आपको समझ में आ जाता है, वो मैं आपको ऑर्डर फ्लो के उसमें सिखाता हूँ क्लास में। तो जब भी आपको डाइवर्जेंस दिखाई दे चार्ट पर तब आप वहां पर एक कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं, एंड इट शुड बी अबोव सेंट्रल पिवट रेंज। तो देर आर थ्री थिंग्स, आपको ऑर्डर फ्लो देखना है अगर ऑर्डर फ्लो अवेलेबल है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दो चीजें आपको जरूर याद रखनी है, एक पहला सेंट्रल पिवट रेंज और दूसरा चार्ट पर किसी भी इंडिकेटर को आपको यूज नहीं करना है। इफ प्राइस इज अबो 9 SMA, इफ प्राइस इज अबो 9 SMA इट इज इन द अप ट्रेंड, एंड ऑन द डेली चार्ट इट इज अबो 20 SMA इट इज इन अप ट्रेंड, सो वी विल बी बाइंग ऑन एवरी डे, एंड डिप शुड बी
अराउंड सीपीआर एंड द प्राइस, व्हेन द प्राइस इज अराउंड सीपीआर वी शुड बाय अ कॉल ऑप्शन एंड व्हेन प्राइस गोज अपसाइड वी कैन बुक आवर प्रॉफिट्स। ओके सो दिस इज द स्ट्रेटजी, एक सिंपल स्ट्रेटजी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, कोई ज्यादा हार्ड स्ट्रेटजी नहीं है, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हमको अगर 26 वी हेड टुवार्ड्स 26,000 लेवल 26,450, सो हाउ वी विल बी ट्रेडिंग दिस ट्रेंड। ओके किसी को भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम इस सेशन को आज यहीं पर ही क्लोज करते हैं, और कल का सेशन हमारा रहने वाला है सेंट्रल क्यूबिक रेंज के ऊपर। विनोद जी सब क्लियर है? सुनील जी जी सर, अभी तो क्लियर है जो सुन रहा। आपका वॉइस क्लियर नहीं है, चैट बॉक्स के उसके क्लियर ओके एवरीवन, लेट्स मीट टुमारो विद अ न्यू टॉपिक सेंट्रल पिवट रेंज। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।